रोटी कमाना बड़ी बात नहीं, परिवार के साथ रोटी खाना बड़ी बात है, मानते हैं ना? तो क्यों ना बनाई जाए हमारी इसी रोटी को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक मल्टीग्रेन आटे के साथ। अगर आप भी हेल्दी रोटी खाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले लेंगे 2.5 किलो गेहूँ। अब इस 2.5 किलो गेहूँ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 किलो बाजरा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 किलो ज्वार। अब ज्वार जब हमने ऐड कर दिए, इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा काला चना, जिसकी अमाउंट लगभग 1/2 किलो होगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ताकत का भंडार अलसी के बीज, जो लगभग 100 ग्राम डाले गए हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हमारा सुपर फूड रागी, जो लगभग 100 से 150 ग्राम डालेंगे। अब रागी डालने के बाद ना, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बीच बीच में इन अनाज को अच्छे से मिक्स करते जाए। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे मक्का, जो मक्का लगभग 1/2 किलो के करीब यहाँ पे ली गई है। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे हलीम के बीज, जो बहुत बहुत ताकतवर होते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तिल, जो लगभग 100 ग्राम होंगे। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद ना, अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अंत में हम इसमें डालेंगे सोयाबीन और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारी जो मशीन होती है ना आटा पीसने वाली, उसमें हम इसको पीस कर आटा बना लेंगे। अच्छा, ख़ास बात यह है कि इन अनाजों की मात्रा में कम या ज़्यादा आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा मल्टीग्रेन आटा ना बनकर बिल्कुल तैयार है। इस हेल्दी मल्टीग्रेन आटे के आप रोटी बनाएं, आप पराठा बनाएं, यहाँ तक कि आप इसे चिल्ला बनाएंगे या फिर स्टफ फ्रेंकी रोल्स अगर इसका बनाना चाहें ना, तो आसानी से बनते हैं। तो होप सो इस ठंड के मौसम में ना, आप इन रोटियों का मज़ा कड़ी दाल और लहसुन की चटनी के साथ ज़रूर लेंगे। चलती हूँ, बाय बाय।